हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एसएन चौधरी और साइंस टीचर। हेयर वी डिस्कस अबाउट चैप्टर थ्री। इसमें से हमको क्या क्या लिखना है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समरी लिखेंगे। समरी में देखो, पहला पॉइंट लिखा है, देयर इज ए वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल ऑफ फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। मतलब इन सब से कपड़े बनते हैं, इतना नाम लिखा गया। इसके अलावा और भी मटेरियल हैं, टेरिलीन है, टेरिकॉट है, डेक्रान है, और भी मटेरियल हैं। इसमें से कॉटन है और ये सिल्क है। ये दोनों जो है आपको नेचुरल फाइबर कहे जाते हैं। पॉलिस्टर है, वूल नेचुरल भी आता है और आर्टिफिशियल भी होता है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो जो कपड़े होते हैं, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, धागे से बने होते हैं, और ये जो धागे होते हैं वो फाइबर को ऐठने से या घुमा के उसको बढ़ने से, ऐसे रस्सी बुनी जाती है, ऐसे बनाए जाते हैं। मतलब धागे से कपड़ा बनता है और जो कपड़े होते हैं वो फाइबर से, और ये धागे हैं वो फाइबर से बनते हैं। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल आर सिंथेटिक। फाइबर चाहे नेचुरल होगा चाहे सिंथेटिक होगा, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, ये सब नेचुरल हैं। जबकि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब मैन मेड है। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। प्लांट से कौन कौन मिल रहा है, यह आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कॉटन और जूट, ये किससे मिलते हैं, प्लांट से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब घूमना, घुमाना। घुमाने से जो है ये फाइबर से क्या बन जाते हैं, धागे, यार्न बन जाते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय द बीबिंग और निटिंग। चाहे सिलने से चाहे बुनने से हम लोग क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं धागों से। उसके बाद में कुछ कीवर्ड हैं, ये भी लिखना है। उस कीवर्ड को देख लेते हैं। तो कीवर्ड में फाइबर, फाइबर इज ए फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। फिर फैब्रिक, जो बुना हुआ कपड़ा उसको फैब्रिक बोलते हैं। फाइबर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमको प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होते हैं। फाइबर फ्रॉम प्लांट, कॉटन है, जूट है, हेम्प मतलब पेटुआ टाइप का होता है, हेम्प है, फ्लैक्स है, और ये रेमी है, और ये क्वायर, क्वायर मतलब जो नारियल का, नारियल के ऊपर जो लगा होता है, वो सब नेचुरल हैं। और प्रोसेसिंग कॉटन फाइबर या मैन मेड या सिंथेटिक में क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फाइबर मतलब कॉटन का फाइबर बनाने की प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं। तो गिनिंग, गिनिंग का मतलब पहले उसका बीज निकालते हैं, फिर गार्डिंग है, फिर ड्राइंग है, फिर स्पिनिंग है, फिर बीबिंग है। ये सारे प्रोसेस बताए जा चुके हैं ऊपर, इस प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे है रेटिंग ऑफ प्लांट। आफ्टर हार्वेस्टिंग द जूट प्लांट आर रेटन मतलब सोक इन वाटर। जैसे कुछ लोग जो गांव टाइप में जानते होंगे, पेटुआ का प्लांट पहले काट लिया जाता है, उसको पानी में सड़ाया जाता है, उसके ऊपर से उसका छिलका निकाल लिया जाता है, और इस तरह से फाइबर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर लिखा है स्ट्रिपिंग द स्टॉक आर स्ट्रिप टू ब्रिंग आउट फाइबर, वॉशिंग एंड ड्राइंग। ये सारे प्रश्न जो भी बताए हैं कि पहले उसको भिगे देते हैं, फिर दो चार दिन में सड़ जाता है, ऊपर का निकाल लेते हैं, जब उससे गीला हो जाता है, डंठल उसका अलग कर लेते हैं, उसको धो के भिगो के सुखा के अपना अलग कर लेते हैं। फाइबर फ्रॉम एनिमल सोर्स, एनिमल से क्या मिलता है, ऊल मिलता है, सिल्क मिलता है। ऊल किससे मिलता है, भेड़ से मिलता है, और सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मॉथ से या सिल्क वार्म से। प्रोसेसिंग ऑफ ऊल कौन कौन से स्टेप है, शेयरिंग, शेयरिंग मतलब उसको पालना, शेयरिंग का मतलब पालन होता है, भेड़ पालन हो गया। ग्रेडिंग मतलब कैसे जो है उसके शरीर से बाल को अलग करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है गार्डिंग, धोना सुखाना, ये सब इसमें आता है। फिर स्पिनिंग मतलब उसे बुनना, घुमाना, घुमा के धागे बनाना। स्पिनिंग, स्पिनिंग
जो प्रास है वो हमेशा या मशीन से या हाथ से भी कुछ लोग करते हैं, पुरानी प्रास हाथ से बाकी मशीन से करते हैं, या फिर चरखे से भी किया जाता है। मेकिंग फाइबर फ्रॉम यार्न इट इज डन बाय द टू प्रोसेस, बीबिंग या बीबिंग मतलब कपड़े बुनना, जैसे निटिंग महिलाएं बुनती हैं। द प्रोसेस बाय टू स्टेप इसमें है, बीबिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग टू सेट ऑफ थ्रेड टू मेक द फाइबर कार रैप आर वेट लूम। यहाँ पे लूम का एक फिगर भी दिया, उसको बना लेना अपने बुक में। यहाँ पे रैप्स आर ड्रॉन इन टू द पैरेलल ऑर्डर विद द बेड्थ। देखिए एक प्रकार से नीटिंग दिया जिससे कपड़ा बुना जाता है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज का सल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइबर, नेचुरल सिंथेटिक, नायलॉन है, ऊल है, कॉटन है, सिल्क है, पॉलिस्टर है, जूट है, इन सबको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो इसमें नेचुरल में कौन कौन है, ऊल है, कॉटन है, सिल्क है, जूट है, और नायलॉन पॉलिस्टर जैसे क्या मैन मेड है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, सही है। स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, गलत है। स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न बनता है, यहाँ फाइबर लिखा है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये गलत है, क्वायर होता है वो, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग उसको क्वायर बोलते हैं, COIR। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये सही है। फिर वीविंग ऑफ यार्न मेक ए पीस ऑफ क्लॉथ, ये भी सही है। सिल्क फाइबर इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, सिल्क फाइबर कीट से मिलता है, उसका नाम क्या है, सिल्क मॉथ। पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर, गलत है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। प्लांट फाइबर आर ऑप्टेन फ्रॉम जूट एंड कॉटन। एनिमल फाइबर कौन है, सिल्क और वूल, देखो क्वेश्चन बताए थे, पूछा गया क्वेश्चन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑप्टेन, कॉटन किससे मिलता है, कॉटन प्लांट से। जूट किससे मिलता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। उसके बाद में नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, जूट बैग है, रोप है, फुट मैट है, ये सब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो कैसे बनाया जाता है फाइबर, यार्न से फाइबर, वही उसमें जो है स्पिनिंग वगैरह प्रोसेस यूज होते हैं, पहले कीवर्ड वाले हैं, वही सारे प्रोसेस है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।